अगली कॉलर हैं यूपी से सुल्ताना जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। जी हकीम जी और सलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम टीम का शुक्रिया। मैं बहुत टाइम से परेशान थी आपको कॉल करने के लिए, और बराबर कॉल कर रही थी, कोशिशें कर रही थी और दुआएं मांग रही थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग पा रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे धक्का एक तरफ को दे दिया जाता है, लेकिन मैं मायूस नहीं। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा बड़ा दुखा हुआ दिल है, हादसों से भरी मेरी जिंदगी है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपके नुस्खे बेशकीमती नुस्खे हैं, अनमोल है, अपने आप में नायाब है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपके नुस्खों की कितनी तारीफ करूँ। मैंने अपने लिए गोंचिया मंगवाया था, टांग में काफी दिन से मेरे तकलीफ है, बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ कुर्सी पे, कई महीने हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मुझे फायदा है। इसी तरह की मैंने प्रॉब्लम और लोगों को देखी तो मैंने अपने गोंचिया में से उन लोगों को भी दे दिया, उनको भी फायदा है माशाल्लाह। जी। आपके कंपनी से मैंने कई बार गोंचिया मंगाया, 4-5 बार मैंने गोल मरिंगा मंगाया, जैतून का सिरका मंगाया, जामुन का गोंद मंगाया, और कितने नुस्खे ऐसे वो दवाएं हैं जो मैंने मंगवाई हैं, और सभी से फायदा हुआ है, सभी लोगों को हुआ है। अल्लाह माशाल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आपको सही सलामत रखे। आपकी गुफ्तगू, आपके अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने अपने फादर की जिंदगी से आपका प्रोग्राम देखना शुरू करा, आज उनको 5 साल हो जाएंगे एक्सपायर हुए, उन्होंने ही मुझे प्रोग्राम दिखाना शुरू किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, और मैं सब चीजें ले रही हूँ। आपसे डायरेक्ट बात करना चाह रही थी लेकिन मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, आज हुई है। और ये जो उसका लहसुन का जो जूस जूस आपने बताया था, अदरक का जूस बताया था, मैंने कई बार उधर हेल्पलाइन पे फोन किया तो वहां अपने अपने हिसाब से जो बता सकता था उन्होंने बताया कि पानी डाल के उसका जूस निकाल लीजिए। मैंने निकाला, फिर मुझे पता चला कि नहीं, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बहरहाल वो भी जिन जिन लोगों को मिलाकर दिया है सभी को फायदा हुआ है। बहुत दुआएं निकलती हैं मेरे दिल से आज के मुआशरे में, आप जैसे की बहुत जरूरत है। अल्लाह ताला आपको तो सही सलामत रखे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, सेहत के साथ। आप फोन काटिए नहीं, आप फोन काटिए जी नहीं, और जी हमारे अब मेरा हमारे मीडिया कर्मी आपका नंबर लेंगे और जी जी फिर वो आपसे हो सकता है शैलजा बात करें, आपका इंटरव्यू लें, और ये अच्छा बात अच्छा बहुत दूर तक जी पहुंचानी है। जी और मेरी आपसे मिलने की बहुत तमन्ना है, बहुत ख्वाहिश है। अब जरूर प्लीज सुबह को जाहिर निजात में भी मैं कोशिश करती हूँ, शबिता बहन के साथ के एक बार मेरी गुफ्तगू हो जाए, लेकिन नंबर उसमें नहीं मिल पाता, बिजी आता रहता है। शायद वो मेरी नंबर जो है डीएनसी में पड़ा हुआ है। प्लीज नहीं, मेरी ऐसा कॉल नहीं लगवा है। दीजिएगा, मैं बात करूंगी, और मेरी आपसे मिलने की बहुत बड़ी तमन्ना है। अच्छा, मैंने अपने भांजे के लिए थायराइड उसको था तो थायराइड का नुस्खा मैंने खुद बनाकर दिया। शुरू में उसने बताया मुझे काफी फायदा हुआ, लेकिन बाद में वो ये बता रहा था कि मेरा थायराइड बहुत बढ़ गया, तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो तो नुस्खा बड़ा अच्छा है, ऐसे कैसे हो गया। तो ये कह रहा था मैं हकीम साहब से खुद जाके मिलूंगा दिल्ली, सुफियान नाम है उसका, सुफियान लतीफ पर, और कह रहा था मैं जाके बात करूंगा, अपनी रिपोर्ट्स भी ले जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आप हो कहाँ सकता से है, हैं? यूपी में कहाँ मैं से हैं आप? संभल संभल से हूँ, मैं संभल जी अच्छा, हमारे बहुत करीब है। जी बहुत करीब हूँ। और मैं पता है आज भी सोच रही थी कि अब मेरे पास आखिरी रास्ता एक बचा है कि बस मैं लेटर लिखूंगी आपको, मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सब चैनल वालों का, और जिन जिन लोगों ने मेरी आपसे बात कराने में हेल्प की है, अल्लाह उनको इसका अजर दे, बहुत सबको शुक्रिया। सही सलामत रखे जी। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा पता नहीं क्या बात है, कोई काम नहीं बनता, काम में रुकावट नहीं पहुंचती नहीं, हम आपको मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सब लोग आपको दुआ में याद करेंगे। आपकी आपसे चीज मैं सुन के तो हमें ये पता चला कि आपके अंदर दुआ मांगने का एक बड़ा खुश तरीका है। अल्लाह ताला की सब कुछ है, उसके घर एक नाम से मांगना नहीं है। आपकी दुआ में असर है, आपके अल्फाज में असर है, आप बहुत नेक हस्ती हैं।
अल्लाह आप जैसी हस्तियां अगर औरों को भी बना दे तो मैं समझती हूँ दुख दर्द सबके लिए छाए। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरी जरूरत है। मैं सुबह को मेरी कोशिश होती है कि मैं आज ना जाऊँ आपका प्रोग्राम देखूँ, लेकिन मजबूरी होती है मुझे जाना पड़ता है। लेकिन आती हूँ तो फिर टीवी खोल लेती हूँ, मुझे आपके प्रोग्राम के अलावा कोई प्रोग्राम अच्छा ही नहीं लगता, मेरा देखने को दिल ही नहीं चाहता, बड़ा सुकून मिलता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी तमाम बातों का तो जवाब शायद हमारा देना मुश्किल ही है, हम इस लायक ही नहीं हैं, आपके जज्बात की पूरी तरह कदर भी नहीं कर पाने के लायक हैं, लेकिन आप हैं कदरदान, और वही कदर और वही भरोसा आपको फ़ायदा पहुंचाता है। और हाँ, मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूंगा, और जो फ़ोन आपका नहीं मिल पाता हमसे, वो उसमें हमारा कुछ हिस्सा नहीं होता, बल्कि इस कदर फ़ोन आते हैं, उसमें फ़ोन मिल जाए तो हमारे हमारी बात हो पाती है, और ज़्यादा कोशिश करने वालों की कॉल मिल जाती है। लेकिन आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, और आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, और आपके सारे काम बनेंगे इंशाल्लाह। आप बहुत कामयाबी की ज़िंदगी दुनिया और आखिरत में भी ज़रूर गुजारेंगे, और मुलाकात का भी आपसे मेरा वादा है इंशाल्लाह। आप बस अपना ख्याल रखा करिए, डिप्रेशन में मत जाइए, यही थोड़ी सी कोशिश जब कामयाब होने लगती है तो जो कुछ अल्लाह ने दिया है बस उस पर शुक्र करना शुरू कर दीजिए, और अपने रब से क्या मुश्किल है कुछ मांगना। अगर हम पंजगाना इबादतों के साथ तहज्जुद में उसके सामने गिड़गिड़ाएं तो कोई ऐसी बात ही नहीं जो वो माने नहीं, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। बहुत लंबी बात हुई आपसे, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।